सियाराम मैं सब जग जानी, सब में प्रभु के दर्शन कर लेना ही क्यों सर्वोत्तम भक्ति का लक्षण है। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी, सियाराम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी झुकपानी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान है और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। चौपाई लिखने के बाद तुलसीदास जी विश्राम करने अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक लड़का मिला और बोला, अरे महात्मा जी इस रास्ते से मत जाइए, आगे एक बैल गुस्से में लोगों को मारता हुआ घूम रहा है और आपने तो लाल वस्त्र भी पहन रखे हैं, तो आप इस रास्ते से बिल्कुल मत जाइए। तुलसीदास जी ने सोचा, ये कल का बालक मुझे चला रहा है, मुझे पता है सब में राम का वास है, मैं उस बैल के हाथ जोड़ लूँगा और शांति से चला जाऊँगा। लेकिन तुलसीदास जी जैसे ही आगे बढ़े तभी बिगड़े बैल ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वो बुरी तरह गिर पड़े। अब तुलसीदास जी घर जाने की बजाय सीधा उस जगह पहुँचे जहाँ वो रामचरितमानस लिख रहे थे और उस चौपाई को फाड़ने लगे। तभी वहाँ हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, श्रीमान ये आप क्या कर रहे हैं। तुलसीदास जी उस समय बहुत गुस्से में थे, वो बोले, ये चौपाई बिल्कुल गलत है। ऐसा कहते हुए उन्होंने हनुमान जी को सारी बात बताई। हनुमान जी मुस्कुरा के तुलसीदास जी से बोले, श्रीमान ये चौपाई तो 100% सही है, आपने उस बैल में तो श्री राम को देखा लेकिन उस बच्चे में राम को नहीं देखा जो आपको बचाने आए थे। भगवान तो बालक के रूप में आपके पास पहले ही आए थे लेकिन आपने देखा ही नहीं। ऐसा सुनते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। अध्यात्म की शुरुआत होती कहाँ से है, कोई कहेगा ईश्वर से, कोई कहेगा धार्मिक पुस्तकों या प्रवचनों से, कोई कहेगा मंदिर चर्च या गुरुद्वारे से। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि सही मायने में अध्यात्म शुरू होता है स्वयं अपने भीतर से। एक बार वे काशी की तीर्थ यात्रा पे गए लेकिन रास्ते में सूखे की मार से पीड़ित गांव वालों को देखा तो अपनी यात्रा वहीं स्थगित कर दी। सोचा ऐसी तीर्थ यात्रा का क्या लाभ जब इतने लोग भूख से बेहाल हो। रामकृष्ण तब तक उसी गांव में रहे जब तक कि सभी गांव वालों को राशन और कपड़ा नहीं बांट दिया गया। तीर्थ या पूजा का मूल्यांकन इसी बात से हो जाता है कि व्यक्ति में अन्य प्राणियों के लिए दया और प्रेम कितना है। प्रेम और समता का भाव होगा तो वह सब में अपने ईश्वर का दर्शन करेगा। संत एकनाथ गंगोत्री से जल लेके रामेश्वरम जा रहे थे शिव जी का अभिषेक करने। बड़ी कठिन यात्रा थी, एक छोर से दूसरे छोर तक न ठहरने की सुविधा न खाने पीने का कोई जुगाड़। रास्ते में एक गांव पड़ा, अकाल से ग्रस्त गांव। तीर्थयात्री गंगा जल लिए चले जा रहे थे कि संत एकनाथ की दृष्टि एक तड़पते हुए गधे पे पड़ी, प्यास से वह मरा जा रहा था। सभी चलते गए पर संत एकनाथ ने गंगा जल उस गधे को पिला दिया। एकनाथ पर सभी हंसने लगे। गंगोत्री से गंगा जल लाए शिव जी के लिए, पिला दिया गधे को, खूब मजाक हुआ। रात को स्वप्न में स्वयं शिव जी ने एकनाथ को ढांढस बंधाकर कहा, मैं इस पूजा से संतुष्ट हुआ। हर रूप में ईश्वर ने मानव जाति को यही संदेश दिया, सभी प्राणियों के हित के लिए कार्य करो, यही सर्वोत्तम पूजा है। राम ने पुत्र रूप में, पति रूप में, भाई रूप में, राजा के रूप में केवल दूसरों की ही इच्छा पूर्ण की, अपने स्वार्थ को देखा ही नहीं। रामायण में तो भरत, लक्ष्मण, सीता, उर्मिला सभी ने औरों के हित को सर्वोपरि माना। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि परमात्मा को पाना है तो सब में मुझे ही देख। अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध ही पूजा है,
तू युद्ध ही कर। अर्जुन को उस समय मंदिर जाकर पूजा करने के लिए नहीं कहा ठाकुर जी ने। पूजा यानी बिना कर्म की फल की इच्छा के कर्तव्य करना। पूजा यानी बिना कोई भेदभाव किए सबको समभाव से देखना। पूजा यानी किसी व्यक्ति या कार्य को हे न समझना। दक्षिणेश्वर मंदिर में काली पूजा के पुजारी गदाधर भक्ति की उच्च अवस्था में पहुँचे और अपनी देह की सुध भी भूल गए। संतों और भक्तों ने उन्हें अवतार घोषित कर दिया। गदाधर से वे बन गए रामकृष्ण परमहंस और रामकृष्ण को हर स्त्री अपनी माँ दिखाई देने लगी और हर पुरुष में स्वयं ईश्वर। विवाह हुआ तो पत्नी से बोले, माँ तुम मुझे संसार में घसीटना चाहती हो या अध्यात्म के पथ पे अग्रसर करने आई हो। उनकी दर्शन की इच्छुक एक तवायफ आई तो अन्य भक्तों को हैरानी हुई और घबराहट भी। पर रामकृष्ण बोले, माँ तुम्हारा यह कैसा रूप। पेड़ पर कोहनी टेके एक बच्चे को देखा तो उसमें कृष्ण की छवि देख समाधि लग गई। मंदिर के परिसर में झाड़ू दे रहे कर्मचारी के पास रामकृष्ण गए, मुझे अपना शौचालय साफ करने दो ताकि मुझ में जात पात की भावना ना रहे। वह कर्मचारी डर कर भाग गया तो रोज रात को चुपचाप रामकृष्ण जाते और उसका शौचालय स्वयं साफ करते। रामकृष्ण ने उसमें अपने राम को ही देखा। सिया राम मैं सब जग जानी को चरित्रार्थ कर दिया। संसार में रमे हम जैसे भक्तों को लगता है कि पूजा तभी होगी जब मंदिर या गुरुद्वारे जाएंगे, पर अवतार लेकर प्रभु ने बार बार याद दिलाया कि पूजा तो कहीं भी हो सकती है। आज जीवन के हर क्षण ऑफिस में, घर में, पार्टी में, दोस्तों के साथ, बाजार में, सभी जगह व्यक्ति स्वयं को महाभारत जैसी स्थिति में पाता है लेकिन अपने पास खड़े सारथी कृष्ण को देख नहीं पाता। सभी प्राणियों के हित के लिए कार्य करो, यही सर्वोत्तम पूजा है।